Good morning, friends. Now we are going to discuss about our subject, that is information technology. Information technology हमारे total 100 marks के paper का एक part है, that is 50 marks का paper है हमारा information technology. दूसरा part है strategic management. हम discuss करने वाले हैं information technology के बारे में. Information technology को लेके सबसे ज्यादा जो question मेरे पास आता है from the students वो ये कि सर आखिरकार ये subject हमारे course में है ही क्यों? Means सर ये तो साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट है, आखिर ये हम सीए के स्टूडेंट्स पढ़ी क्यों रहे हैं? उसके पीछे कारण ये है कि आज जितने भी बिजनेसेस हैं वो सब ऑनलाइन हो गए हैं, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, डाटाबेसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर हम इनकी नॉलेज नहीं होगी तो आप समझ सकते हैं हम अपने वर्क को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, हम ऑडिट नहीं कर पाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इस सब्जेक्ट को समझना है. हमारे इंस्टीट्यूट ने ये इसलिए नहीं दिया कि आप इसमें घोटा लगा के चले जाओ, आप इसके अंदर हेडिंग्स याद करके चले जाओ. हमारा इंस्टीट्यूट बहुत क्लियर है इस पॉइंट के ऊपर कि आपको इस सब्जेक्ट की नॉलेज देनी है, क्योंकि आगे फ्यूचर में जितना भी बिजनेस होने वाला है वो सब ऑनलाइन होने वाला है. बहुत से तो ऐसे बिजनेस होंगे जिनका फिजिकल प्रेजेंस ही नहीं होगा और वो सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होंगे. आप उस काम को तभी कर पाएंगे जब आपने इस सब्जेक्ट को समझा होगा. सिर्फ हेडिंग्स याद करके अगर आप गए होंगे तो आप इस सब्जेक्ट को जस्टिफाई नहीं कर सकते. नंबर वन पॉइंट. नंबर टू पॉइंट, आप कंप्यूटर्स को ऑडिट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि आपने इनकम टैक्स पढ़ा होगा, उसके अंदर आप जानते हैं 44 एबी का ऑडिट होता है. जब 44 एबी में आप टैक्स ऑडिट करते हैं तो एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर, आपको यह भी रिपोर्ट करना है कि आपके असेसी में आपके क्लाइंट ने कितना एक्सपेंडिचर है जो 20,000 से अबव कैश में किया है. अगर यही आपको रिपोर्ट करना है मैनुअल अकाउंट्स के साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, आपको हर दिन की कैश बुक को स्कैन करना पड़ेगा, हर दिन की कैश बुक को पढ़ना पड़ेगा. मान लीजिए एक दिन के लिए वो एक पेज बनाता है तो आपको 365 पेज पलटने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने वहां पर कितना खर्चा किया है जो 20,000 से ऊपर है कैश में. लेकिन अगर यही काम आपको कंप्यूटर से करना हो, आपका काम बहुत आसान है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप ये इंफॉर्मेशन उसके कंप्यूटर्स में से निकाल सकते हैं. और दैट टू आपको ये क्लैरिटी होगी कि वो जो आपने निकाला है वो 100% सही है. अगर आपने मैनुअली ये काम किया होता तो आपसे गलती के पूरे पूरे चांसेस होते, आपसे कुछ छूट सकता था, आपसे कोई गलती लग सकती थी. लेकिन अगर आपने इसको कंप्यूटर से किया है तो इसमें गलती होने के कोई चांस नहीं है. तीसरा पार्ट, अभी तक हम जब ऑडिट्स की बात करते हैं तो सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट्स की बात करते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम एक नए प्रकार का ऑडिट निकल के आ रहा है और वो कहलाता है सिस्टम्स ऑडिट. हमारा इंस्टीट्यूट आपको प्रिपेयर कर रहा है इस चीज के लिए कि आप ना सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट कर पाए, आप सिस्टम्स ऑडिट भी कर पाए. और जो सिस्टम्स ऑडिट होगा उसके अंदर आप सिर्फ बैलेंस शीट को ऑडिट नहीं कर रहे होंगे, आप ये देख रहे होंगे कि जो सिस्टम जो वहां पे बना हुआ है क्या उसमें प्रॉपर कंट्रोल्स इनबिल्ट है या नहीं. और आप कंट्रोल्स के बारे में यहां पढ़ने वाले हैं. और आप शायद जानते हो नए कंपनीज एक्ट के हिसाब से हमें वेरियस इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में बहुत ज्यादा कमेंट करना है. ये भी आप तभी कर पाओगे जब आप इन सारे सिस्टम्स को समझ पाओगे. तो एक चीज आप समझ लीजिए, आपको इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझना है और इसको समझने के बाद ही इंस्टीट्यूट आपको नेक्स्ट पायदान के ऊपर अगले लेवल के ऊपर चढ़ाएगा. इसको आप समझ लीजिएगा. तो नंबर वन पॉइंट सब्जेक्ट क्यों है, मेरे हिसाब से आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अब आता है सेकंड पॉइंट कि सर इस सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास में चैप्टर्स क्या क्या हैं, पेपर कैसा आता है. तो देखिए ये आपका 50 मार्क्स का पेपर है जो आपको अटेम्प्ट करना है. टोटल 5 चैप्टर्स हैं आपके इसके अंदर. जो टोटल 5 चैप्टर्स हैं इनमें से आप मेरे से पूछते हो सर कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं. आप ये समझ लीजिए कि अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करके जा रहे हैं तो आप पेपर में फेल होने के लिए जा रहे हैं. अगर आपको इसको पास करना है और आपने इसको अच्छे मार्क्स से पास करना है तो आप ये समझ लीजिए आपको 100% पेपर तैयार करना. पेपर कैसे आता है, कहां कहां से आता है, मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगा. टोटल आपके पास में 7 क्वेश्चंस यहां पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होता है. तो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर आपके पास में 2-2 मार्क के 5 क्वेश्चंस आते हैं और वो आपके लगभग 5 चैप्टर्स में से क्वेश्चन आते हैं. इंस्टीट्यूट ने सोच रखा है कि वो आपसे सिलेक्टिव स्टडी नहीं कराएगा और इसीलिए वो जानबूझ के आपके पेपर के पैटर्न को चेंज करता है और कंपल्सरी क्वेश्चन में आपके पूरे स्टडी मटेरियल को कवर करता है. तो आपके 5 चैप्टर्स में से कौन से क्वेश्चन के अंदर वो कवर करता है, वहां पर आपका 10 मार्क का पेपर हो गया, 10 मार्क का क्वेश्चन आपका वो आ गया. उसके अलावा आपके पास में 6 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक. हर एक क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक जो 5 क्वेश्चन हैं, उनमें आपके हर एक क्वेश्चन के 2-2 पार्ट होते हैं और दोनों पार्ट 4-4 मार्क के होते हैं.
और लगभग हर एक चैप्टर से उसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगेन दो दो मार्क के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो एक इंटरनल चॉइस हो गई और एक आपकी क्वेश्चन की चॉइस होगी, क्योंकि बाकी बचे हुए 6 क्वेश्चन में से आपके पास में एक चॉइस है। यहां मैं एक बात आपको और क्लियर करना चाहूंगा और वो ये कि इसके अंदर एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है, मतलब जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक दो दो पार्ट आते हैं, उनमें एक क्वेश्चन में दो पार्ट नहीं होते और उसके अंदर एक क्वेश्चन पूरा का पूरा फुल फ्लेज्ड आता है फ्लो चार्ट के बारे में। अब मार्केट में क्या है, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो फ्लो चार्ट आपको कराते ही नहीं है, या अगर कराते भी हैं तो खाली फ्लो चार्ट दिखता कैसा है वो दिखा देते हैं आपको बना के, वो फ्लो चार्ट बनना कैसे है वो आपको नहीं समझाया जाता, उसके स्टेप्स आपको नहीं बताए जाते, और इस वजह से जब वो क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप क्या करते हो, आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हो चॉइस में। अब हुआ क्या आपके साथ, आपको पता भी नहीं चला ये आपके साथ हो गया। बेटा वो जो 8 मार्क का फ्लो चार्ट है उसमें से 8 में से 8 मार्क्स आ सकते हैं और बहुत सिंपल स्टेप्स है जिनको आपको सीखना है। दिक्कत ये है कि उन जो फैकल्टी है जो आपको ये ऐसे करा रही है उसे खुद फ्लो चार्ट में क्लैरिटी नहीं है, इसलिए वो आपको फ्लो चार्ट छुड़वा देता है, कहता है जी चॉइस में छुड़ी आता है। चॉइस में छुटने में दो नुकसान आपने उठाए। पहला, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें 8 में से 8 मार्क्स ला सकते थे आपने उसको चॉइस में छोड़ा। दूसरा, थ्योरी में से चॉइस आपकी खत्म हो गई। इसका मतलब थ्योरी में जितना भी कुछ आपको लिखना है वो सारा उन्हीं क्वेश्चंस के बीच पे आपको लिखना है। तो यहां ये ध्यान रहे कि फ्लो चार्ट आपको जरूर करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन दो दो मार्क के क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। तो अगर आप वेटेज देखें, अगर आप अपने क्वेश्चंस की वेटेज देखें तो आपके क्वेश्चन है या तो 2 मार्क का या 4 मार्क का। 8 मार्क के फ्लो चार्ट को हम अगर साइड में रख देते हैं तो फ्लो चार्ट आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। उसके अलावा 2 या 4 मार्क के क्वेश्चन, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट मेरे से ये पूछते हैं कि सर 2 मार्क या 4 मार्क के क्वेश्चन में कितना लिखना है, सर लेंथ या ब्रेड्थ क्या चाहिए? तो बेटा इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। लेंथ या ब्रेड्थ आपको इंस्टीट्यूट आपकी कॉपी को तोल के मार्क्स नहीं देता, वो नंबर ऑफ पेजेस को गिन के मार्क्स नहीं देता, वो ये देखता है कि आपने कंटेंट क्या लिखा है। और आपके कंटेंट में कई बार इतनी कमियां होती हैं, इतनी खामियां होती हैं कि आप पेजेस तो बहुत सारे भरी आते हो लेकिन आपने जो कंटेंट जो आपको इंस्टीट्यूट आपसे चाहता है वो आपने वह प्रेजेंट ही नहीं किया होता। इसके लिए क्या करना है और कैसे आंसर करना है, नंबर 1 पॉइंट, आंसर आपका कंप्लीट होना चाहिए। जितना लेवल का आपको स्टडी मैट में दिया है उतने लेवल तक का आंसर आपको वहां पे आंसर करना है। अब अगर आपको किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन आया तो आपने कोशिश करनी है कि आप उस टॉपिक को जितना भी है पूरा एक्सप्लेन करें, चाहे वो 2 मार्क का है चाहे वो 4 मार्क का क्वेश्चन है। अगर आपसे कुछ पूछा गया है, अगर आपने वो पूरा एक्सप्लेन किया है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहें। एक और बहुत खराब आदत है, स्टूडेंट्स ने क्या तरीका बना लिया है, अपने सिर्फ हेडिंग्स हैं जो स्टडी मैट में हेडिंग्स दिए हैं खाली उसी को याद करके जा रहे हैं। खाली हेडिंग्स को याद करके जाने से आपका भला नहीं होने वाला, आपको पूरा का पूरा आंसर सही ढंग से वहां लिखना है। अब सही ढंग से कैसे लिखा जा सकता है, इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप अंडरस्टैंडिंग, दूसरा स्टेप लर्निंग और तीसरा स्टेप राइटिंग। अगर इन तीनों में से कहीं पर भी कमी होगी तो आप समझ लीजिएगा आप नुकसान उठाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं सिर्फ समझ के जा रहे हैं, प्रॉब्लम समझ तो लिया लेकिन जो वहां लिखना है वो आता ही नहीं, वो याद ही नहीं। फिर तीसरी बात, जो आता भी है उसे वहां लिखा नहीं। कुछ स्टूडेंट्स हैं सिर्फ हेडिंग्स याद करके जा रहे हैं, अगेन समझ में तो कुछ आया ही नहीं, क्वेश्चन कुछ और पूछ रखा है, आंसर आप कुछ और दे रहे हैं, इट इज क्वाइट ऑब्वियस, अगेन फेल होने का समान है। तीसरी बात राइटिंग, मैंने यह भी देखा है कि स्टूडेंट ने समझ भी लिया याद भी कर लिया लेकिन जो असली चीज वहां लिखनी है वो वहां लिखी नहीं। क्यों नहीं लिखी? क्योंकि आपने हेडिंग्स के साथ साथ कंटेंट भी लिखना है, और कंटेंट कौन सा लिखना है, जो आपके स्टडी मैट में लिखा है। नाउ द इशू इज कि सर जो स्टडी मैट में लिखा उसकी लैंग्वेज तो एज इट इज याद नहीं होती। अगर आपको उसकी लैंग्वेज एज इट इज याद नहीं होती तो आपका इस तरीका है, और वो ये कि आप उसके जो कीवर्ड्स हैं उन्हें मेन याद करें और अपनी लैंग्वेज के अंदर आप उसको वहां लिख दें। अगर अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड आपके हेडिंग सही हो, आपके कीवर्ड सही हो। और दूसरी बात जो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपने जो लिखा है उसका मतलब वही निकलता हो जो स्टडी मैट में लिखा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो आसान भाषा वाली बुक या आसान भाषा वाले नोट्स को देख के बहुत खुश होते हैं, सोचते हैं ये बहुत आसान लैंग्वेज है, इसको मैं याद करके चला जाऊंगा, इसको मैं लिख दूंगा, पेपर देके बड़ी खुशी मिलती है। क्यों? क्योंकि वो इजी लैंग्वेज लिख ही आए हैं,
खुशी कब नहीं मिलती? जब रिजल्ट देखते हैं। अगर जब रिजल्ट देखने में खुशी चाहते हो तो आपने एक चीज समझ लेनी है, आपको स्टडी मैट से बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। मार्केट में एक और प्रॉब्लम है और वो ये कि जो फैकल्टीज हैं वो एक ही सब्जेक्ट की फैकल्टी दूसरे सब्जेक्ट को भी निपटा देती है। क्या मतलब? कोई एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फैकल्टी होगी, वो सोचता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो मैं पढ़ा ही लूंगा और दूसरे सब्जेक्ट में वो घास काट देता है। ऐसे ही एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की फैकल्टी है, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट खुद पढ़ा लेता है और फिर सोचता आईटी के अंदर मैं घास काट दूंगा। मतलब ये कि आपने जो तैयारी की वो 60 या 70% ही मार्क्स का आपको तैयार कराया गया, 70% का जो गेन आपने किया वो 40% तक आपने गेन किया या 50% तक गेन किया, जब पेपर में लिख के आए तो 20-30% से ज्यादा मार्क्स नहीं आए। क्या जरूरी है? 100% की तैयारी करो बेटा, 100% की तैयारी मींस आपके पास में डेडिकेटेड स्पेशलाइज और एक्सपीरियंस फैकल्टी जिस सब्जेक्ट की है, आप उस सब्जेक्ट की फैकल्टी से पढ़ो, वो आपको 100% तैयारी कराएगा। बेटा 60 मार्क्स का पेपर आता है आईटी का, वो पूरा आपका तैयार होना चाहिए। 57 मार्क्स का पेपर आता है आपका एसएम का, वो पूरा तैयार होना चाहिए। आईटी का पेपर आईटी की फैकल्टी से तैयार होना चाहिए, एसएम का पेपर एसएम की फैकल्टी से तैयार होना चाहिए। ये नहीं कि आईटी वाले ने एसएम तैयार कर दिया या एसएम वाले ने आईटी तैयार कर दिया, इसमें नुकसान उनका नहीं है, इसमें नुकसान आपका है। ये आपको समझना है और आपको 100% पेपर तैयार करके जाना है। इस तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आपको 60 में से 60 मार्क का पेपर आता हो। आपको ये प्रॉब्लम हो कि इसमें से चॉइस में छोड़ूं कौन सा क्वेश्चन, और आप चीज समझ लीजिएगा प्रैक्टिकल पोर्शन को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है इसके अंदर। तो ये आपके पॉइंट्स हैं। नंबर वन मैंने आपको बताया आपको समझना है, तो समझ लिया आपने तो आपको ये फायदा है कि अब आप उसको ना सिर्फ अपने पेपर में यूज कर सकते हैं, आप इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज कर सकते हो। इंस्टीट्यूट आपको इसीलिए ये पढ़ा रहा है। नंबर टू लर्निंग, जिससे कि आपको पता रहे कि मेरे को पेपर में क्या लिखना है। एंड नंबर थ्री राइटिंग, लिख के देखिए कि आप जो कहना चाहते हो वो आप कन्वे कर भी रहे हो या नहीं। क्योंकि कई स्टूडेंट आते हैं कहते हैं सर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया, याद भी हो गया, बल्कि मैं और एक मेरा फ्रेंड हम दोनों साथ साथ बैठ के पढ़ा करते थे सर। मैं अपने उस फ्रेंड को समझाता था, जब हमने दोनों ने पेपर दिया वो तो पास हो गया सर, मैं रह गया। बेटा इसके पीछे कारण क्या है कि आपको कंटेंट तो पता था, आपने अपने फ्रेंड को तो कन्वे कर दिया लेकिन आपने एग्जामिनर को कन्वे नहीं किया। आपके दिमाग में जो कुछ भी है वो आपके दिमाग तक है, एग्जामिनर आपको तब मार्क्स देगा जब आप उसको कन्वे करेंगे यस ये मेरे दिमाग में। और वो दिमाग आप कैसे बता पाओगे? आपको वो लिखना पड़ेगा। बेटा ये फर्क कहां है कि जब अपने फ्रेंड को समझा रहे थे तो फ्रेंड का चेहरा आपके सामने था, उसके चेहरे को देख के आपको पता चल रहा था कि उसको पूरा समझ में आया या नहीं आया, और जब उसका एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया कि हाँ इसको पूरी क्लैरिटी हो गई है, तब आपने बोलना छोड़ा और तब आपने समझाना छोड़ा। लेकिन पेपर में तो आपको एग्जामिनर का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, तो वहां आप कब बोलना छोड़ोगे ये आपको पता ही नहीं, और आप आधे आंसर में ही चुपचाप बैठ जाते हो। आधे आंसर को लिख के सोचते हो कि मैंने पूरा समझा दिया, लेकिन आपके मतलब वो नहीं निकलता होगा, आप वो उसको कन्वे नहीं कर पा रहे होंगे। तो आपको कन्वे करना भी बहुत जरूरी है, और इसके लिए जरूरी ये तीनों स्टेप्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आखिरी में अपने पेपर को रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है। कई बार आप रिवाइज नहीं करते तो आपको पता, आपको लगता है कि जी मैंने तो अपनी तरफ से सही लिखा है, लेकिन जब आप उसको पढ़ते हो तो अपने आप पता चलता है कि आपने उसमें कहां कहां गलतियां कर दी। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ये सारी चीजें आपको समझनी है। अगर आप इसको समझेंगे तो आराम से एवरेज मार्क्स आईटी के अंदर 60-70 मार्क्स आ सकते हैं, आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के आप आईटी एसएम के पेपर में 60-70 मार्क्स ला सकते हैं। आप लोग अपने एग्रीगेट बनाने के लिए अकाउंट्स के पेपर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जो अकाउंट्स का आपका पेपर है आप अच्छे से जानते हैं, इंस्टीट्यूट भी आपकी स्ट्रेटेजी को अच्छे से जानता है। वो क्या करता है, वो आपके एग्रीगेट के लिए बनाने से पहले आपको अकाउंट्स का पेपर ही मुश्किल दे देता है और आपके वहां होश उड़ जाते हैं, आप कहते हो पहले ही पेपर खराब हो गया सर, अब तो बाकी में पास ही नहीं होना। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, आप अपने सिर्फ इसी सब्जेक्ट के अंदर आराम से इतने मार्क्स ला सकते हो कि ये आपका एग्रीगेट आराम से बना सकता है। तो मेरा आपको सजेशन है आईटी एसएम को ढंग से तैयार करें, डेडिकेटेड एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ तैयार करें, पूरा तैयार करें, समझें, याद करें और लिखें, और सिर्फ हेडिंग्स नहीं याद करें, सिलेक्टिव नहीं पढ़ें, 100% कोर्स को कवर करें। आई थिंक अगला रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और आपके साथ फाइनल में मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।